नमस्कार स्टूडेंट, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये आईसी के हमारे अगले का टॉपिक है, मतलब आगे का टॉपिक है जो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको वीडियो में आईसी के पहचान के ऊपर मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी मोबाइल फ़ोन की आईसी को आसानी के साथ में हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर जो आईसी लगी हुई हैं ये कौन कौन सी आईसी है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आईसी के बारे में आगे समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोग आईसी के बारे में समझने वाले हैं, हम लोग रिंगर आईसी के बारे में समझने वाले हैं कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन के अंदर रिंगर आईसी लगी होती है उस रिंगर आईसी को कैसे पहचानते हैं, रिंगर आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है रिंगर आईसी हमारी कैसे काम करती है, किस हिसाब से वर्किंग करती है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज आईसी के बारे में बताता हूँ। रिंगर आईसी जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोस्टली सभी मोबाइल फ़ोन में पाई जाती है, या आईसी रिंगर चलाने का वर्क करती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती हैं। रिंगर आईसी, यह आईसी रिंगर को चलाने का काम करती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है, मतलब जहां पर भी रिंगर आईसी लगी होती है तो रिंगर आईसी के पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती हैं। तो यह आईसी रिंगर को चलाने का काम करती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है, मतलब जहां पर भी आईसी लगी होगी वहां पर दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होगी। कैसे? जैसे ये आपकी मान लिया ब्लैक कलर की आईसी लगी है तो इसके पास में इस तरीके से दो मोटी मोटी ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती हैं, क्योंकि रिंगर आईसी से दो कॉइलों से सप्लाई आउटपुट निकलती है और आपका रिंगर बचता है। तो रिंगर आईसी की पहचान के लिए इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल मोटी मोटी से लगी होती है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन में मदरबोर्ड में रिंगर आईसी है। तो चलिए हम बोर्ड में देखते हैं कि बोर्ड में कैसे पहचानने का तरीका क्या होता है। ये देखिए, तो जब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको और हाईलाइट करके अच्छे से समझाता हूँ। ये मोबाइल फोन में आपका पूरा जो लगा हुआ है ये आपके रिंगर आईसी है और इसके पास में दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी हैं। इन दो कॉइलों सप्लाई निकले कि तब आपका रिंगर ऐसे से बजेगा। तो ये दो कॉइल लगी हैं, काय की कॉइल लगी हैं, रिंगर की कॉइल लगी हैं। तो रिंगर आईसी की पहचान के लिए दो ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि ये हमारा रिंगर है, यानी रिंगर आईसी है, रिंगर सेक्शन है, आप कुछ भी अपनी भाषा में कह सकते हैं। इसके ख़राब होने से फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल फ़ोन में रिंगर नहीं चलेगा। और अगर मान लिया आपका रिंगर का पॉइंट उखड़ गया, रिंगर का प्रिंट उखड़ गया, रिंगर का सप्लाई उखड़ गया है, तो आप रिंगर की लाइन को अगर आप कॉइल पर जोड़ देंगे तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में रिंगर बजना शुरू हो जाएगा। अगर रिंगर के दोनों पॉइंटों को अगर आप कॉइल पर ऐसे जोड़ देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में रिंगर बजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिंगर और रिंगर के दोनों जो कॉइलें हैं, दोनों कॉइलों को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये मैंने आपको जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिंगर आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग अपने अगले आईसी के बारे में बात करेंगे। रिंगर आईसी के बाद हम लोग आगे की आईसी जो समझने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई आईसी। वाईफाई आईसी मतलब जितने भी ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिस मोबाइल फोन में वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, जो ऐसा फीचर होता है, उसके लिए मोबाइल फोन में क्या होता है, पर्टिकुलर कंपनी अलग से पूरा सेक्शन बना करके देती है और उस सेक्शन के अंदर एक आईसी लगाती है, उस आईसी को हम लोग वाईफाई आईसी बोलते हैं। अब वाईफाई आईसी को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वाईफाई आईसी वाईफाई आईसी वाईफाई सेक्शन को कंट्रोल करती है इसकी पहचान के लिए इसका अलग से सेक्शन होता है और वाईफाई का अलग एंटीना होता है। मतलब वाईफाई आईसी को पहचानने के लिए क्या रहता है हमारे मोबाइल फोन में, वाईफाई आईसी के लिए मोबाइल फोन में वाईफाई आईसी के सेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है, इसकी पहचान के लिए इसका मोबाइल फोन में अलग से सेक्शन होता है और वाईफाई का अलग से एंटीना होता है। मतलब जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं उस मोबाइल फोन के लिए क्या होता है, वाईफाई का जो एंटीना होता है, वाईफाई का एंटीना अलग से लगाया जाता है। तो जो अलग से एंटीना लगा होता है वो वाईफाई के लिए यूज होता है, तो वाईफाई का अलग से पर्टिकुलर एंटीना पाया जाता है और इसका अलग से वाईफाई का मोबाइल फ़ोन के अंदर अलग से पर्टिकुलर सेक्शन होता है। इसके ख़राब होने से आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, वाईफाई ऑन नहीं होगा या ऑन होकर बंद हो जाएगा या सर्चिंग करता रहेगा, वाईफाई को कनेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो हम लोग पहचानते हैं कि वाईफाई आईसी को मदरबोर्ड में कैसे पहचानते हैं। देखिए जैसे ही हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में हम पीसीबी में देखेंगे वाईफाई की पहचान के लिए उसके पास में ऑसिलेटर क्रिस्टल या व्हाइट कलर का ट्रांसफार्मर भी लगा हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये अलग से एंटीना लगा हुआ है, पर्टिकुलर ये इंटरनल एंटीना लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर यहाँ से सिग्नल होते हुए इस ट्रांसफार्मर सिग्नल होते हुए इस आईसी के अंदर आता है, तो ये तुम्हारी वाईफाई को कंट्रोल करने का काम करती है। अब ये तुम्हारी कौन सी आईसी होगी, वाईफाई आईसी। ये वाईफाई आईसी वाईफाई का पूरा पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे इस मदरबोर्ड के अंदर, तो ये देखिए पूरा ब्रैकेट सा ऐसे बना हुआ है, ये पूरा जो भी है आपका ये पूरा टोटली वाईफाई सेक्शन है और ये खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में वाईफाई कैच नहीं करेगा, वाईफाई कवर नहीं करेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन में एक एंटीना लगा हुआ है, ये मोटी सी आईसी लगी है, लंबी सी आईसी लगी है, ये पीएफओ यानी नेटवर्क सेक्शन है पूरा, और ये आपका जो एंटीना लगा हुआ है, ये जो ऊपर से एंटीना आ रहा है, ये तुम्हारा वाईफाई सेक्शन है। तो ये तुम्हारी वाईफाई आईसी लगी है। इस तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर वाईफाई आईसी को पहचानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रिंगर आईसी होती है उस रिंगर आईसी को कैसे पहचाना जाता है, ये रिंगर आईसी को पहचानने का तरीका क्या है और मोबाइल फ़ोन के अंदर वाईफाई आईसी को पहचानने का तरीका क्या है। तो आज की दोस्तों मैं फिर से मैं एक बार दोबारा आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ, मार करके समझा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना। जो ऐसे नए लोग होते हैं, जो फ्रेशर लोग होते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन में आईसी पहचानने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल करेंगी ताकि वो इन सब वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें।
तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो लगी है रिंगर आईसी लगी, ये आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई आईसी लगी है। अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो वाईफाई काम नहीं करेगा। तो वाईफाई को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया वाईफाई के लिए अलग से सेक्शन लगा हुआ है, रिंगर का अलग से लगा हुआ है। तो आज दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर वाईफाई आईसी को हम लोग कैसे पहचानेंगे, रिंगर आईसी ऑडियो आईसी को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज के मैंने आईसी के बारे में आपको बताया है। अब मैं इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जितनी भी सारी आईसियाँ जो लगी होती हैं वो कौन सी आईसी किस ट्रक को चलाती है, किसका कनेक्शन कहाँ से होता है, किस में कितना वोल्टेज होता है, कितना इनपुट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको आगे की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम आती तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज हमारे पास एक हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया है, निहाल नाम है और ये औरैया के रहने वाले हैं और ये पहले जॉब करते थे। जॉब करने के बाद फिर इन्होंने काफ़ी समय से मेरा वीडियो देख रहे थे, वीडियो देखते देखते इनको अच्छा लगा तो इन्होंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया और अपने मम्मी से बात करी कि मम्मी मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता हूँ और ऐसे जॉब मैं कब तक करता रहूँगा। तो इनकी मम्मी से मेरी बात हुई, मम्मी ने इनको बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जाके सीख लीजिए। वो भी टीचर हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाती हैं और तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कब तक आखिर बच्चा कब तक जॉब करता रहेगा, क्यों ना कोई ऐसा काम सीख ले कि अपने लोकल पर ही काम कर ले, बाहर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरी मम्मी से उनसे उन्होंने बात कराई और उन्होंने बहुत सारी मुझसे क्वेश्चन करे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा, बहुत सारी जानकारी ली, बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपने बच्चों को तुरंत हैंड टू हैंड मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन कराया था और आज से उन्होंने अपने प्रॉपर क्लास को स्टार्ट कर दिया है। आज और भी वेस्ट बंगाल है, वहाँ से हमारे पास एक स्टूडेंट है जो आने वाले हैं और उनका शायद नाम है कालीचरण और वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वो अभी ऑन द वे हैं, रास्ते पे हैं। अगर वो रास्ते पे उनको वीडियो मिलेगा तो जानेंगे कि सर ने हमसे बात हुई है और सर आज हमारी बारे में वीडियो के बारे में हमको ही बता रहे हैं। तो एक दो दिन के बाद वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के क्लास में होंगे और अपने क्लास को कोर्स को स्टार्ट कर चुके होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बताया कि बहुत दूर दूर से बच्चे हैं जो आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर सीखते हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का कंप्लीट सफ़र तय करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं जिसमें पूरा हार्डवेयर होता है, पूरा सॉफ्टवेयर होता है, बोर्नियो सिमेटिक है, सप्लाई है, सर्किट डायग्राम है, डेड मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग है, सॉफ्टवेयर से मोबाइल फ़ोन की अनलॉकिंग है वगैरह वगैरह। ऐसे जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना आपको सिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को पूरा देखें और इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं तो उन वीडियो को भी वॉच करें ताकि आपको ये समझ में आए कि हमको किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सिखाया जाएगा, कैसे हमारी ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से सर हमको सिखा करके भेजेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.